الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته कैसे हैं आप सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी क्लास आज हमारी क्लास का है पहला दिन और हमारा शुरू हो चुका है हफ्ता चार का आज हमारा पहला दिन है और आज हम पढ़ेंगे नया सबक। आपने कभी सुनी है सुनाई ये बात कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कुछ साबियात को जन्नत की बशारत दी थी, उन्हें क्या कहा जाता है बताइए मुझे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साहबियों को ये बशारत दी थी कि तुम जन्नत में जाओगे और उनको अशरम बशरा कहा जाता है ना। उन्हीं में से एक साहबी हैं हज़रत साद बिन अबी वकास। एक साहबी हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में यानी कि उनकी हयात में ही कहा गया था कि तुम जन्नत में जाओगे। उसके बाद भी उन्होंने अच्छे अमल करने छोड़े नहीं थे बल्कि और ज़्यादा मोहतात हो गए थे कि मैं अच्छे अमल करता रहूँ। हमें तो कुछ पता चले कि आज हमें ऐसा होने वाला है तो हम वो काम छोड़ देते करना नहीं। ये नबी के साहबी हैं, उन्होंने बल्कि वो अमल छोड़ा नहीं बल्कि और मोहतात हो गए और एहतियात से काम करने लगे कि मुझसे गलती ना हो जाए, कोई मुझसे गुनाह ना हो जाए। भाई फूक फूक के कदम उठाने लगे। फिर वो हैं हज़रत साद बिन अबी वकास। साद वकास का मायने होते हैं जंगजू यानी कि बहुत बहादुर बहुत निडर। वकास मक्के में पैदा हुए, वकास सल्तनाना मक्के में पैदा हुए, सही माँ बाप ने साथ रखा लेकिन बाद मौरखे उनके नाम के साथ वकास लिखा। इसकी रीडिंग नहीं करवाऊंगी बस बताऊंगी इसके बारे में, सही है ना। आप कबीले कुरैश के मौजूद शेर शाह बनु जहरा से ताल्लुक रखते थे। कौन? हज़रत साद बिन अबी वकास, सही है। आप तीर कमान में माहिर थे और आप इसी ज़माने में इसकी बड़ी कदर थी तीर कमान की, जाहिर जंगे हो जाते थे तीर कमान की जरूरत पड़ती थी। और मैंने सब बताया आपको कि आप अशरा उबशरा थे, अशरा उबशरा में शामिल थे और अल्लाह ताला ने आपको अस्साबिकून अव्वलून कहकर पुकारा यानी कि जन्नत की बिशारत दी आप लोगों को। इनमें से उन 10 लोगों में से एक आप भी हैं, सही है। गजबा किसे कहते हैं? गजबा उसे कहते हैं जैसे तो जंग होती है लेकिन गजबा वो यूँ हुआ जिस जंग में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हों उसे गजबा कहते हैं। जैसे गजबा बदर, गजबा अहद, गजबा खंदक, इस तरह से ना है ना, गजबा बदर, ये तमाम खंदक गजबा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल थे इसलिए उनको गजबा कहा जाता है। आपने भी इस्लाम लाने के बाद बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की लेकिन आप डटे रहे इस्लाम के लिए कि नहीं मैं एक अल्लाह का मानने वाला हूँ करता रहूँगा। और आपने बहुत से गजबात लड़े और बहुत बहादुरी से लड़े, गजब बदर की लड़ाई बहुत अहम थी उसमें भी लड़ते रहे आप और नबी अकरम सल्लम आपको तीर निकाल आप असलम को तीर निकाल निकाल के देखते रहते और आप असलम कहते रहते ए साथ तीर चला मेरे माँ बाप तुझे कुर्बान, यानी कि आप असलम तीर चला रहे थे और साथ वो की तीर निकाल निकाल के आप असलम को देते जाते। उससे आप ने फरमाया ए साथ तीर चला मेरे माँ बाप उस पर कुर्बान, है कि इतने बड़े नबी हमारे सबसे अजीम नबी वो कह रहे हैं कि ए साथ तीर चला मेरे माँ बाप उस पर कुर्बान, सही है। इस तरह से आपने बहुत से गजबात में हिस्सा लिया, फतूहत भी हासिल की और इस्लाम फैलाने के लिए बहुत से जगहों पर भी गए, हबशा भी गए इस्लाम के साथ के लिए। और नबी अकरम सल्लम की रहलत के बाद आपने अपने बहुत सदना पहुँचा था आपको उनकी आपस वफात के बाद, लेकिन फिर भी आपने अस्सा नहीं छोड़ा, आप की ज़िंदगी जो तालीमात थी उसको नहीं छोड़ा बल्कि उसको अमल करते रहे और खुलफ़ा राशिदीन के साथ इस्लाम के साथ करते रहे। आपने बहुत ज़्यादा काम किए इस्लाम के लिए। सबसे बड़े काम जो आपने किया है इस दौर में वो खुशहाली का दौर था, उसमें क्या काम करवाया आपने? आपने मदाइन को मरकज़ बनाया, कूफा गवर्नर थी उस वक्त अपना, आपने मदाइन को मरकज़ बना दिया, मदीना को मरकज़ बना दिया हुकूमत का। और मटर शुमार की, ज़मीन की पैमाइश कराई, छोटी मोटी नहरें खुदवाएँ, पानी खेतों में जाने लगा, पुल बनाया, मुसाफिरखाने बनाए, मदरसे बनाए, हुनरमंदों के लिए वज़ाइफ़ मुकर्रर किए, फौजी के तनख्वाह का इंतज़ाम किया। इस पूरे अरसे में आपने इस वक्त का मदीने का एक अच्छा बेहतरीन वक्त था, चाहिए। फिर आपकी उम्र बढ़ने लगी, आप बूढ़े हो गए, कमज़ोर हो गए, यहाँ तक कि आपकी बिनाई भी जवाब दे गई। जब आपकी वफात का वक्त आया तो आपकी एक वसीयत थी कि जब मैं मरूँ तो मुझे वही कपड़े पहनाए जाएँ जो मैंने बदर की लड़ाई में पहने थे, यानी कि वही ऊन सूट पहनाया जाए जो मैंने बदर की लड़ाई में पहना था। और आपको उसी वसीयत के मुताबिक उसी सूट में दफनाया गया और आप उस दुनिया से चले गए।
आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उस तक हयात थी, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि इनकी इनके जनाजे को मस्जिद नबी लाया जाए ताकि औरतें और बाकी लोग भी इनके जनाजे में शामिल हो सकें। और यही हुआ, उनकी जनाजे को मस्जिद नबी लाया गया ताकि वहाँ की औरतें जनाजे में शामिल हो सकें। और मदीने के हाकिम मर्दान बिन हुकुम ने उम्मत की माओ के हुजरे के सामने जनाजे की नमाज पढ़ाई और इस्लाम के बहादुर बेटे को जन्नतुल बकी में दफन किया। उस सबके हाकिम मरवान बिन हुकुम ने उनकी आशी की बात का हुक्म माना और उनकी नमाज जनाजा करवाई और फिर जन्नतुल बकी में उनको दफन किया गया। ये थे इस्लाम के बहादुर साहबी हजरत साद बिन हजरत अबी वकास। ठीक है, सही है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।